rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर ने हमारे जीवन को आशीषों से भरा है, खुशियों से भरा है। मेरे प्रियो, आइए हम उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, उसको सेलिब्रेट करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस आराधना को यीशु के नाम से हम लोग शुरू करेंगे। आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे जिंदा पापा, आसमानी हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत करने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर, हमारे आगे आगे चल के खुदा तमाम टेढ़ मेरे रास्तों को हमारे लिए खूबसूरत करने वाले परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं खुदावन गुजरे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जो आप हमारे साथ में रहे प्रभु, दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल करके अपने आनंद अपने छुटकारे से हमको भरा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं खुदा की एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके चरणों पे बैठ के आपसे सीख सकें, और आपके स्पर्श को अपने जीवनों में हम लेने पाए। प्रभु इस पूरी आराधना को अपने हाथ में लें, सहायता करें खुदा हमारी आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए, और होने पाए प्रभु कि दिल की गहराई से हम आपके नाम को बुलंदी पर उठाने पाए, आपके सम्मुख ठहरने पाए प्रभु। और प्रभु हम चाहते हैं आप हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें, और आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करें, हमें बदल दें अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में। प्रभु देखें और संभाले अपनी खूबसूरती को हमारे बीच में लेके आए, यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, कुछ गीतों गाएंगे मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस।
हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 122 अध्याय, साम चैप्टर 122। भजन संहिता 122। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। ये इसराइल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से इस भजन को हम लोग देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाएं। वन मोर टाइम। जब लोगों ने मुझसे कहा जी आओ हम यहोवा के भवन को चलें। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें। यहोवा के भवन को चलें। मेरे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी दोस्ती किसके साथ में? हु डू यू एसोसिएट विद? आप किसके साथ में मित्रता को रखते हैं? वो लोग आपको कहां पे लेके जाते हैं? क्या आपके पास में ऐसे दोस्त हैं जो आपको उत्साहित करें? आओ हम दुआ करेंगे, आओ हम आराधना करें, आओ हम लोग बैठेंगे, टीवी में बैठेंगे और हम कुछ अच्छे किसी अच्छे प्रचारक को सुनेंगे, कुछ अच्छी अच्छी शिक्षाओं को हम लोग सुनेंगे। क्या आप ऐसे दोस्तों से सराउंडेड हैं मेरे प्रियो, जो कि आपको प्रभु की उपस्थिति में लेके जाते हैं, या आपकी मित्रता ऐसे लोगों से है जो कि आपको प्रभु से दूर लेकर के जा रहे हैं? इट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, यू नो, अगर आप अपने जीवन को आशीषों से भरा हुआ देखना चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएट हो जो कि आपको प्रभु की उपस्थिति में लेके जाए, जो कि आपको प्रभु में आगे बढ़ाए। आपके मित्र कौन है, किस तरफ वो आपको लेके जा रहे हैं? जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चलें, यहोवा के भवन को चलें जी, तब मैं आनंदित हुआ। It was my joy. ये मेरे आनंद का कारण था। प्रभु की बातें मुझे आनंद दिलाती। यू नो, एक बहुत बड़ी दिक्कत आज लोगों के बीच में हो वो ये कि ढेर सारे लोग अपने आप को विश्वासी तो समझते हैं और कहते हैं, पर उनके मन में ये वाला आनंद नहीं होता। आओ हम वचन को पढ़ें, आओ हम प्रार्थना करें, आओ हम आराधना करें, आओ थोड़ी देर परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, प्रभु के सम्मुख जाके प्रार्थना करें। आज हम रात में हम 2-3 बैठेंगे और हम प्रभु के सम्मुख ठहर करके हम प्रार्थना करेंगे। यू नो, ये वाला आनंद लोगों के जीवन में पाया नहीं जाता है। यस, हम सब विश्वासी हैं। ओ प्रभु हमारे बीच में बड़े बड़े पवित्र काम को कर रहे हैं, बड़े बड़े काम को कर रहे हैं। हमारे पास भी ये गवाही है, हमारे पास में गवाही है। यस, ये सारी बातें तो हमारे जीवन में है, पर क्या आप उसकी उपस्थिति से आनंदित होते हैं? क्या आपका ये आनंद है कि आप उसके सम्मुख जाएं, आप उसके सम्मुख ठहरें और आप उसकी महिमा करें जी। हे यरूशलम, यरूशलम, तेरे फाटकों के भीतर, फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हम खड़े हो गए। हालेलुया। यू नो, दाऊद इस बात में खुश है, प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आ गए हैं, हम आपके मंदिर में आ गए हैं। और ये कितने बड़े आनंद की बात है। दुष्ट ने बहुत कोशिश की, चीजों ने बहुत कोशिश की कि वो हमको आपसे दूर रखने पाए, आपकी उपस्थिति से दूर रखने पाए, आपकी आज्ञाकारिता से दूर रखने पाए, आपकी आराधना से दूर रखने पाए। पर क्या है खुशी की बात है, प्रभु हम आपके फाटकों में प्रवेश करके आपकी स्थिति में आ गए हैं। थैंक यू लॉर्ड। और ये बात भी हमारे लिए आनंद का कारण है जी। हे यरूशलम, हे यरूशलम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए, जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए। हम यूनिटी में, हम एकता में रहने वाले लोग हैं। दुष्ट तो गड़बड़ी को पैदा करता है, पर हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं हम कैसे उस एकता में हम बने रहें जी।
वहां यहां के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। हालेलुया, ये इसराइल के लिए साक्षी है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि दौड़ते हैं उसकी उपस्थिति में, जो कि दौड़ते हैं उसकी आराधना करने के लिए? यस, ये समय है कि हम प्रभु की आराधना करेंगे, ये समय है कि हम उसके सम्मुख बैठेंगे, ये वो समय है जबकि हम वचनों को पढ़ेंगे, ये वो टाइम है जबकि हम अकेले में हम बैठेंगे, ये वो समय है जब पारिवारिक रूप से हम प्रभु के सम्मुख बैठेंगे और हम उसका उत्सव मनाएंगे। कैसे मोमेंट्स आपके जीवन में होते हैं, कैसे पल आपके जीवन में होते हैं, या घर में सब लोग आते हैं, सब अपने अपने कोनों को लेकर के बैठ जाते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ में, अपने जीवन को सब लोग देख रहे हैं। क्या हमारे बीच में मेरे प्रियो ऐसे पल होते हैं जहां पर हम इकट्ठा हो और हम प्रभु की आराधना करने पाए? जी, ये इसराइल के लिए साक्षी है, ये इसराइल के लिए साक्षी है, साक्षी है। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। ये इसराइल के लिए साक्षी है, दिस इज अ प्रूफ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के हैं कि नहीं है, ये साक्षी आपके जीवन में, परमेश्वर ने इस बात का सबूत दिया है, हर एक जन के हृदय में प्रभु ने इस बात का सबूत दिया कि आप उसके हैं या आप उसके नहीं। अगर आपके मन में आनंद है उसकी उपस्थिति में जाने का, तब आप उसके हैं, अगर वो आनंद नहीं है तो अभी हम दूर हैं। ये साक्षी है, ये इस बात का प्रूफ है क्या परमेश्वर को बिलोंग करते हैं या नहीं। जी, वहां तो न्याय के सिंहासन जी दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। वहां तो न्याय के सिंहासन, कहां न्याय मिलता है हमको? जब हम प्रभु के उपस्थिति में जाते हैं, उसके भवन में जाते हैं, हम उसके सम्मुख जाते हैं और हम कहते हैं प्रभु हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, खुदावन जिन्होंने हमको दुख पहुंचाया है, जिन्होंने हमारे खिलाफ पाप किया, हम उनको क्षमा करते हैं और हम चाहते हैं प्रभु आपका अभिषेक हमारे जीवन में फ्लो करने पाए। जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे मेरे प्रभु, वहां पे आप न्याय पाएंगे, वहां पे आप जीवन पाएंगे, वहां पे आप उपस्थिति को पाएंगे, वहां पे आप आशीष को पाएंगे। जी, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। हमें इसराइल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि इसराइल से उद्धार आया है, इसराइल से शांति आई है, इसराइल से जीवन आया है। प्रभु यीशु मसीह इसराइल में पैदा हुए, यरूशलेम में पैदा हुए और वहां से जो उद्धार का कार्य शुरू हुआ है पृथ्वी के कोने कोने तक के पहुंचा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर का परिवार है, इसलिए हमको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी कुशलता के लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। जी, तेरी शहरपना के भीतर शांति जी और तेरे महलों में कुशल होवे। आमीन। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा तुझ में शांति होवे जी। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा, मैं उस भलाई के कार्य में लगा रहूंगा और मैं कोशिश करता रहूंगा कि कैसे हमारे जीवन से परमेश्वर की रोशनी निकलने पाए और लोगों को छूने पाए, उनके जीवन में शांति आनंद और जीवन आने पाए। हालेलुया, परमेश्वर एक अद्भुत जीवन में हमको लेकर के चलना मांगते हैं मेरे प्रिय। आप तैयार हो जाए, आप आगे बढ़े और आप उसके उत्सव को मनाइए। उस समय होगा कि हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा हो, बड़ाई हो। हालेलुया, जो हमारी शांति की कामना करता है, ओ जो हमारे हमारे कुशल की कामना करता, उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
Oh, God.
ऊंचा है। हमारे पिंडी और समझ से बढ़ के भारे करने वाले, कभी नहीं छोड़ने वाले, हमें लगातार अपनी महिमा को प्रकट करने वाले, हमारे प्रार्थनाओं की ओर कान को लगाने वाले यीशु, आपका नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, हर प्रधान अधिकार अधिपत्य प्रभुता के ऊपर, हर सामर्थ के ऊपर, हर नाम के ऊपर यीशु आपका नाम ऊंचा है। यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया यीशु, धन्यवाद। Oh,
ईश्वर, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु ईश्वर की महिमा हो प्रभु जी, वो आदर वो महिमा जिसके आप योग्य हैं, हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर, वो आदर वो महिमा जिसके आप योग्य हैं, हम आपको देते हैं पिता, वो आदर वो महिमा जिसके आप योग्य हैं, वो हम आपको देते हैं पिता, अपने जीवनों को सौंपते हुए हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, ओ हालेलुया, उस सामर्थ्य सिंहासन के सम्मुख आते हैं जो आवश्यकता के समय हमारी हमारी सहायता करता है, हालेलुया हालेलुया, हम लगे रहते हैं प्रभु, हम लगे रहते हैं, क्यों रुके, क्यों थके, क्यों डिस्टर्ब हो, क्यों परेशान हो, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो निरंतर हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाते हैं, निरंतर हर समय देखने वाले, हर समय सुनने वाले, हर समय अपने धर में दाहिने हाथ से हमें संभाले रहने वाले, आपने का मत डर देख मैं तेरे संग हूँ, आपने का मत डर देख मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो केवल ये नहीं चाहते कि हम आपकी केवल आराधना करें, आप वो पिता हैं जो हमें संभाल लेना चाहते हैं, आप वो पिता हैं जो हमारी सहायता करना चाहते हैं कि अपने जीवन में हम जय को देखने पाए, आपके पराक्रम को देखने पाए, सफलता को देखने पाए, छुटकारे को चंगाई को देखने पाए, अपने वो लोग जो दूर हो गए हैं उनको निकट आते देखने पाए, पवित्र होने पाए, बेदाग बेजुरी निर्दोष और निष्कलंक होने पाए, आप वहां तक हमारी सहायता करते हैं कि हमको सिंहासन पर बैठा सके, आप वहां तक सहायता करने वाले परमेश्वर है जहां पर हमको सिंहासन पर बैठा सके, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसीलिए तो पिता आपने यीशु मसीह को भेजा, इसलिए प्रभु हम भी अपने आप को अपने परिवारों को अपने घरानों को अपने शहर को प्रदेश को देश को आपके हाथ में सौंप देते हैं, प्लीज पिता अपने तरीके से हमें ले चले और अपनी सच्चाई को अपनी महिमा को अपने उजाले को हमारे जीवनों में इस रीति से प्रकट करें कि हम ज्योति के रूप में संसार में चमकने पाएं, आपकी महिमा की ज्योति के रूप में इस संसार में चमकने पाएं, सहायता करें, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रियो एक विशेष बात है, बहुत सारी बातें आपको थकाएंगी इन दिनों में, एक विशेष प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, अगर आप अपने आत्मिक जीवन के बारे में आप थोड़ा सा मौसम को चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत चीज़ें से डिस्टर्ब करती हैं, रोकती हैं प्रार्थना करने से, उंघाई आने लगती है, फोकस नहीं हो पाते, ध्यान नहीं लगा पाते, जल्दी से बहक जाते, उठने का मन करता है, कोई काम निपटाने का मन करता है, कॉन्सनट्रेट करने से, फोकस होने से, ध्यान लगाने से कुछ बातें आपको रोकती हैं, पर प्रियो जो लगे रहते हैं अपनी अपने आप जो बीते समय में नहीं कर पाए पछताए धन्यवाद, पर आप लगे रहिए तब तक जब तक जीत नहीं जाते, जो लगे रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं, हो सकता है आप 10 बार असफल हो चुके हो सकता है आपने 100 बार भी कोशिश करी आप फिर असफल हैं, लगे रहिए क्योंकि जो लगे रहते हैं परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु उसके आत्मा के द्वारा, उसकी मोहब्बत ने, उसके प्रेम ने, उसकी सामर्थ ने हमको यहाँ पे पहुँचाए मेरे प्रियो, जहाँ पे हम खड़े हुए, धन्यवाद देंगे प्रभु को और उसको ऑनर करेंगे हम लोग, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, देने वाले परमेश्वर
देने वाले परमेश्वर, बीज बोने वाले को बीज देने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देने वाले को धन्यवाद देने के लिए वो दान वो भेंट भी देने वाले परमेश्वर, दसवां अंश जिसमें सब निकाल रहे हैं वो भी देने वाले परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। जबकि मौका है कि जो कुछ हम आपने हमको दिया है उसमें से हम आपको आभार प्रकट करें, धन्यवाद दें, दसवां अंश को दें, वो आप इन्हें लें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, होने पाए लोग आपकी ओर से आशीष को पाने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया है उसने हमको आनंद से भरा है। आमेन। और जो कुछ वो करने जा रहा है मेरे प्रियो, वो आपको और हैरान करेगा और वो आपको और ज्यादा उत्साहित करेगा। आगे चलेंगे, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में चलेंगे और हम तब्दील होंगे उसकी इच्छा में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसके 12 पद से 16 पद को हम लोग देखेंगे। जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 12 टू 16। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे जी, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों से कह रहे हैं कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, पर तुम अभी उन बातों को समझ नहीं पाओगे, उन बातों को सह नहीं पाओगे, पर जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुमको सारी सच्चाई में ले करके जाएगा। और थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर तुम थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मुझे ये पद बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत है। अगर आप इस पद को समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे पर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तो पिता के पास में जा रहा हूं, फिर तुम मुझे नहीं देखोगे, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा वो नए प्रकाशन को तुम्हारे जीवन में लेकर के आएगा, नए रेवलेशन को लेकर आएगा, और तुम मुझे फर्क तरीके से जानोगे और तुम मुझे फर्क तरीके से देखने पाओगे। जैसे अभी हम लोग फिजिकली एक दूसरे को देख रहे हैं, शारीरिक रूप से एक दूसरे को देख रहे हैं, इस प्रकार से नहीं, पर एक डिफरेंट प्रकाशन, एक अलग रेवलेशन जो है वो तुम्हारे जीवनों में आने पाएगा, और थोड़ी देर के बाद में तुम मुझे फिर से बेहतर तरीके से देखना शुरू करोगे। यू नो, पवित्र आत्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ढेर सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इसके महत्व को नहीं समझते, और ढेर सारे लोग नॉर्मली बस अपने जीवन को जी रहे होते हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से दूर रह करके। और ढेर सारे लोग जिनके पास में पवित्र आत्मा है वो अब ये नहीं समझ पाते कि उसके साथ में वो क्या करें। पवित्र आत्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनलेस आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करें आप वचन की गहराई में नहीं उतर सकते, और वचन की ढेर सारी बातें, परमेश्वर की ढेर सारी बातें आप कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई में नहीं उतरेंगे, जब तक कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं लेने पाएंगे। पवित्र आत्मा के ऊपर हम लोग शिक्षाओं को ले रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, आज समझेंगे हम लोग द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा है उसके व्यक्ति के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यू नो, पवित्र आत्मा क्या है? कई बार हम लोग इस शब्द को सुनते रहते हैं, परमेश्वर के वचन में हम इसको पढ़ते रहते हैं, लोगों के मुँह से हम इन चीज़ों को सुनते रहते हैं, हम गानों को गाते रहते हैं उसमें पवित्र आत्मा आता है, पर वॉट इज द होली स्पिरिट?
पवित्र आत्मा आखिर है क्या? कई बार कुछ लोगों को लगता है कि वो सामर्थ है, जब उसको पा लेते हैं तो वो बड़ा सामर्थ है। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि वो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है। कई बार हमारे पास में जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विषय में वो बहुत सीमित है और कई बार बहुत फ्लॉड होती है, गलतियों के साथ में होती है। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा आखिर क्या है। परमेश्वर के परिवार में तीन लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये तीन डिफरेंट व्यक्ति हैं जो पाए जाते हैं। ये तीनों अलग अलग तरीके के अलग अलग व्यक्ति हैं, तीनों के अलग अलग काम हैं जो तीनों करते हैं, पर तीनों अलग नहीं हैं, तीनों एक साथ में काम करते हैं। There are times सबके अलग अलग काम करते हैं, जब अलग अलग काम कर भी रहे हैं तो भी वो तीनों साथ में रहते हैंगे। ये त्रिएकता की शिक्षा है मेरे प्रियो, कई बार हमने इसके विषय में शिक्षा को लिया है। थोड़ा सा मैं आपको इसके विषय में समझाने की कोशिश करूंगा अभी कि ये त्रिएकता कैसे ये फंक्शन करती है, कैसे तीनों अलग है और कैसे तीनों एक है। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसके 16वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे साथ मेरे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीन डिफरेंट व्यक्ति हैं, तीन डिफरेंट जन हैंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुमको पवित्र आत्मा, वो तुमको एक और सहायक देगा जो कि तुम्हारे साथ में हमेशा रहेगा, यानी कि पवित्र आत्मा। तो हम यहाँ पे तीनों को सेपरेटली फंक्शन करते देख रहे हैं, अलग अलग कार्य करते देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं प्रार्थना करूंगा पिता से और पिता मेरी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा और वो तुमको पवित्र आत्मा देगा। हम एक और पद को देखेंगे, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसके 7 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह कह रहे हैं देखो मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास में नहीं आएगा। अभी तुम्हारे साथ में वो सहायक नहीं है, अभी मैं तुम्हारे साथ में हूँ, अभी सहायक तुम्हारे साथ में नहीं है, पर जब मैं जाऊंगा मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, जब मैं जाऊंगा तभी सहायक तुम्हारे पास में आएगा। जी परंतु यदि मैं जाऊंगा जी तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम्हारे पास में भेज दूंगा। यहाँ पे हम सेपरेशन को देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा और जो क्रूस पे जिसने बलिदान दिया वो प्रभु यीशु मसीह थे। पवित्र आत्मा ने हमारे लिए बलिदान नहीं दिया, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए बलिदान नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके थे पिता ने अपने मुंह को फेर लिया था, क्योंकि यीशु मसीह संसार के पापों को लेके जब क्रूस पे थे परमेश्वर पिता ने अपना मुंह फेर लिया था। हम यहाँ पे तीनों को अलग अलग तरीके से फंक्शन करते देख रहे हैं मेरे प्यो। ये तीन अलग अलग व्यक्ति हैं पर तीनों अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, ये तीनों एक हैंगे, ये साथ में कार्य करते हैं। हम तीन परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम एक परमेश्वर की आराधना करते, एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में है, तीन व्यक्ति एक परमेश्वर है। हम देखेंगे अब एकता को देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि तीनों एक किस प्रकार से। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसके 23 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा जी? तो वो मेरे वचन को मानेगा जी? और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास में आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, और उसके साथ में वास करेंगे, हम उसके पास में आएंगे और हम वास करेंगे। हम का मतलब मैं, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा, हम तीनों उसके साथ में वास करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रभु यीशु मसीह जगह पे कह रहे थे कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुमको पवित्र आत्मा देगा। मेरा जाना जरूरी है क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास में नहीं आएगा। ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं पर तीनों एक साथ काम करते हैं,
एंड सेपरेटली काम करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप पहली बार इन चीजों को सुन रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर जब आप परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरेंगे, आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे, आप अच्छी समझ को इसके लिए रखने पाएंगे कैसे त्रिएकता काम करती है। प्रभु यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास में आएंगे और हम तुम में वास करेंगे। हम एक और पद को देखेंगे, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसके 58 वर्स को देखेंगे, 58 पद को देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके जी कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात को बोल रहे हैं। वो कह रहे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ I am, मैं हूं। ये वो शब्द है, ये वो नाम है जो कि परमेश्वर पिता ने मूसा को बताया था जब जलती हुई झाड़ी का अनुभव हुआ था और मूसा ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं जाके उनसे क्या कहूंगा, अगर वो पूछेंगे किस परमेश्वर ने तुमको भेजा है, क्या उसका नाम है, मैं उन लोगों को जाके क्या बोलूंगा। तो प्रभु ने कहा उनको कहना मैं हूं, आई एम। परमेश्वर पिता ने मूसा को जो अपना नाम बताया और बताया आई एम, और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ वही नाम अपना बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न होता मैं हूँ। सेम नाम जो कि परमेश्वर पिता यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी उस नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक और पद को देखेंगे, यूहन्ना का 10वां अध्याय उसके 30वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं और पिता जी एक हैं। मैं और पिता एक हैं। एक हमने देखा कैसे तीनों अलग अलग फंक्शन कर रहे थे, पर हम यहाँ पे अब ये देख रहे हैं कि तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं और पिता एक है। ना प्रभु यीशु मसीह के शब्द उस प्रकार से नहीं है जैसे हम लोग क्यों होते कि नहीं हम लोग एक हैं, हमारे शब्दों के मतलब अलग होते हैं, पर जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उसका मतलब बिल्कुल वही है जो उसके मुंह से निकल रहा है। वो कह रहा है मैं और पिता हम एक हैं। एक और पद को देखेंगे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसके 9-11 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा जी हे फिलिप्पुस जी मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ में हूँ क्या तुम मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं जानते, जिसने मुझे देखा है जी उसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा जी, क्या तू विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत आवश्यक बात यहाँ पे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं और पिता एक है, मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता परंतु पिता मुझ में रह कर जी अपने काम करता है। पिता मुझ में रह के अपने काम को करता है। आप यहाँ पे यूनिटी देखें, आप यहाँ पे एकता देखें जो प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के बीच में एग्जिस्ट करती है। आप देखिए इस यूनिटी को, ये अलग नहीं है, ये साथ में है। यस अलग भी हैं पर बिल्कुल साथ में। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं एक हूँ, मैं और पिता एक हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं उसमें हूँ, और जो भी बातें मैं कहता हूँ वो मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, पर पिता जो मुझ में है जो वो कहता है उन बातों को मैं सामने लेकर के आता हूं। तो हम यहां पे यूनिटी को देख रहे हैं, एकता को देख रहे हैं जो कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में एग्जिस्ट करती है। तीनों सेपरेट हैं एंड देन तीनों एक हैं, एक साथ काम करते हैं। यूहन्ना का 1वां अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन ही परमेश्वर था। वचन द इटर्नल वर्ड, यीशु मसीह आदि में वचन था, यीशु मसीह थे और वचन परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर पिता के साथ में था और वचन ही परमेश्वर था। सो मेरे प्रियो हम यहां पे देखते हैं वचन की शिक्षा के अनुसार परमेश्वर पिता, परमेश्वर के परिवार में तीन लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर पिता
जब यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बट देन एट द सेम टाइम तीनों एक हैं। हम तीन परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, राइट। तीनों किसी भी मोमेंट पे एक साथ में होते हैं एंड ये तीनों हमेशा अलग तरीके से कार्य कर रहे होते हैं। सो पवित्र आत्मा के ऊपर मनन करें मेरे प्रयोग, हम समझेंगे पवित्र आत्मा जो है वो एक अलग व्यक्ति है। यू नो कई बार लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है और जब वो सामर्थ हमारे अंदर आएगी तब हम डिफरेंट काम वो करने पाएंगे। यस, पवित्र आत्मा के पास बहुत सामर्थ है, पर पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा एक सेपरेट व्यक्ति है जिसके पास में सामर्थ है। कई बार हमको लगता है कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है। यस, परमेश्वर का आत्मा वो टाइटल है, वो पद है जो कि पवित्र आत्मा को दिया गया है, पर पवित्र आत्मा उस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा नहीं है जिस प्रकार से हम आत्मा को समझते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों की आत्मा को समझते हैं। हमें लगता है कि ये जन है और ये इनकी आत्मा है और ये जन और इनकी आत्मा बिल्कुल एक सी है। उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग में हम आते हैं और हमको लगता है कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा जो है और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर का जो आत्मा है वही पवित्र आत्मा है। नहीं, जो जब हम उसको कहते हैं ये परमेश्वर का आत्मा है, सो वो एक टाइटल है जो कि पवित्र आत्मा को दिया गया है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में अगर आप जाएंगे आप पाएंगे 32 डिफरेंट नामों से पवित्र आत्मा को बुलाया गया हैगा। परमेश्वर का वचन 32 डिफरेंट टाइटल्स पवित्र आत्मा को देता है और उसमें से एक टाइटल ये है कि परमेश्वर का आत्मा। सो पवित्र आत्मा जो है वो एक सेपरेट व्यक्ति है, सेपरेट जन है और उसके पास में उसका अपना एक स्वभाव है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार पवित्र आत्मा जो है वो सुनता है, पवित्र आत्मा जो है वो बोलता है, पवित्र आत्मा जो है वो हमको गाइड करता है, पवित्र आत्मा जो है वो हमको शिक्षा देता है, पवित्र आत्मा जो है वो हमको दिशा दिखाता है कि इस मार्ग में जाना है, पवित्र आत्मा जो है वो हमको रोकता है नहीं इस काम को नहीं करना है। पवित्र आत्मा के पास में अपना ज्ञान है, पवित्र आत्मा के पास में उसका अपना प्रेम है, पवित्र आत्मा के पास में उसकी अपनी इच्छा है जिसके अनुसार वो कार्य को करता है। यू नो पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते, पवित्र आत्मा को हम इंसल्ट कर सकते, हम उसको बेइज्जत कर सकते, पवित्र आत्मा के विरोध में हम पाप कर सकते, ऐसा पाप जो कि क्षमा नहीं होता, हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते। सो पवित्र आत्मा अपने में एक एंटायरली एक डिफरेंट व्यक्ति है जिसके साथ में हम डील कर रहे होते। परमेश्वर का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो एक टाइटल है जो कि उसको दिया गया है। पवित्र आत्मा एक सेपरेट व्यक्ति है जिसके पास में अपना स्वभाव है, जिसके पास में अपनी इच्छा है। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 7 से 11 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए जी हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति जी, और किसी को भविष्यवाणी की जी, और किसी को आत्माओं की परख जी, किसी को अनेक प्रकार की भाषा जी, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना जी, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा परमेश्वर पिता नहीं, प्रभु यीशु मसीह नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा, पर तीनों साथ में, तीनों सेपरेटली। ये फंक्शन जो है, ये कार्य जो है, ये पवित्र आत्मा की तरफ से होता है, ये सब काम पवित्र आत्मा कराता है जी, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। जिसे जो चाहता है इंडिपेंडेंटली वो चीजों को बांट देता है, यानी कि उसके पास में अपनी एक इच्छा है जो कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक है और
और फिर भी सेपरेट है, उसकी अपनी एक इच्छा है जिसके अनुसार वो कार्य करता है, जिसके अनुसार वो लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वरदान देता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो है वो एक सेपरेट एक व्यक्ति है जिसके पास में अपना ज्ञान है, जिसके पास में अपना प्रेम है, जिसके पास में अपनी इच्छा है। यस, परमेश्वर के साथ में परफेक्ट यूनिटी में काम करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने से कुछ नहीं बोलता, पर जो कुछ पिता को करता हुआ देखता हूँ मैं वही करता हूँ और वही बोलता हूँ। येट एट द सेम टाइम वो पिता नहीं बात कर रहा होता है, वो प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे होते हैं। एंड ठीक उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं, पवित्र आत्मा फैसले ले रहा है, पर पवित्र आत्मा इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं ले रहा है, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ में एकता में फैसले ले रहा है। पर देन अगेन ये फैसले पवित्र आत्मा के होते हैं कि वो कौन सा वरदान किसको दे रहा है। सो पवित्र आत्मा अपने में एक सेपरेट व्यक्ति है, और जैसे मैंने आपको बताया कि यस, हम उसको कई बार शोकित कर सकते हैं। कई बार हम अपने कार्य के द्वारा, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको शोकित करेंगे, पर हमारे कार्य कई बार उसको शोकित कर सकते हैं। हमारे कार्य जो होते हैं कई बार हम उसको अपने कार्य के द्वारा हम उसकी इंसल्ट कर देते हैं जा करके। कई बार अपने कामों के द्वारा हम उसके खिलाफ में पाप करते हैं जो कि गंभीर चीज़ है, और कई बार हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे होते हैं। कई बार हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल लेते ना। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कि पवित्र आत्मा अपने में एक सेपरेट व्यक्ति है। और जबकि हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि पवित्र आत्मा अपने में एक सेपरेट व्यक्ति है जिसको 32 डिफरेंट टाइटल्स से परमेश्वर के वचन में उसको संबोधित किया जाता है, उसको उसका नाम को लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, इनके अलग अलग कार्य। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जाता हूँ और मेरा जाना बहुत बेहतर है, तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास में आएगा और वो तुम्हारे पास में हमेशा रहेगा। अभी मैं जा रहा हूँ पिता के पास में, अभी तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर के बाद में तुम मुझे देखोगे। बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे कहना तो चाहता हूं पर तुम अभी तुम उन बातों को समझ नहीं पा रहे हो, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुमको सारी गंभीरता में लेकर के जाएगा, सारी सच्चाई में लेकर के जाएगा। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में अभी ना आ रही हो मेरे प्रियो, पर जैसे जैसे पवित्र आत्मा के साथ में आप आगे बढ़ते जाएंगे आप इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझने पाएंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता, इनकी अलग अलग ड्यूटीज हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिस तरीके से कार्य करते हैं। पिता ने कहा रोशनी हो जा, प्रभु ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। रोशनी कैसे हुई? पवित्र आत्मा ने जा करके रोशनी को क्रिएट किया। परमेश्वर पिता अपने मुंह से शब्दों को बोलते हैं, वचन को बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो इटर्नल वर्ड है, वो अनंत काल का वचन हैगा, और पवित्र आत्मा जो वो कार्य करने का आत्मा है। पवित्र आत्मा आगे जाता है और वो चीजों को क्रिएट करता है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए। हम का मतलब परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ने मिल करके बनाया। कैसे बनाया? आप देखें मेरे साथ में अय्यूब, उसका 33वां अध्याय, उसके 4th पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है जी, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अय्यूब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। यस, परमेश्वर ने बनाया है, तीनों ने मिलके बनाया है, पर परमेश्वर पिता ने वचन बोला और पवित्र आत्मा, द डूइंग स्पिरिट, कार्य करने का आत्मा, वो कार्य में आया और उसने चीजों को क्रिएट किया। परमेश्वर पिता आज्ञा देते हैं, वचन को बोलते हैं, पहाड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओ, घास बन जाओ, जानवर बन जाओ, वो आज्ञा देते हैं और पवित्र आत्मा उन कार्यों को जो है वो सामने लेकर के आता, वो क्रिएट करता है और वो चीजों को बनाता हैगा। परमेश्वर पिता खुद से जाके नहीं बनाते, प्रभु यीशु मसीह खुद से जाके नहीं बनाते, पवित्र आत्मा इज द डूइंग स्पिरिट, होली स्पिरिट जो है वो कार्य करने का आत्मा है और वो चीजों को कार्य में लेकर के आता है। हम देखेंगे भजन संहिता 104 उसके 30वें पद को देखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है।
फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है जी, और वे सिरजे जाते हैं और वो सिरजे जाते हैं। ये क्रिएशन जो सृष्टि की रचना हुई वो किस प्रकार से हुई? One more time, फिर तू अपने पास से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। धरती को नया कर देता है। ये पृथ्वी जो बिडोल थी, जो सुनसान थी, इसको नया कैसे किया? परमेश्वर ने वचन बोला और जब परमेश्वर का वचन आगे गया, पवित्र आत्मा ने तमाम चीजों को क्रिएट किया, उसने पैदा किया। प्रभु ने वचन बोला, पिता ने वचन को और पवित्र आत्मा ने चीजों को क्रिएट किया। पवित्र आत्मा का महत्व क्रिएशन के टाइम पे, सृष्टि की रचना के समय पे ये है कि उसने चीजों को क्रिएट किया। पवित्र आत्मा का महत्व बाइबल में क्या है, वचन में क्या है, हम देखेंगे। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 20 और 21 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर पहले ये जान लो, कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। नौ 40 डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा हैगा, पर ये किसी एक जन ने, किसी अलग अलग लोगों ने इस चीज को, अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। पहले इस बात को जान लो जी कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी एक के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई। जो भी भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं वो मनुष्य की इच्छा से नहीं होंगी। जो भी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं वो मनुष्य की इच्छा से नहीं है जी, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्त जन जो थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा, जिन्होंने भविष्यवाणियां की, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उनको जैसा उभारा उन्होंने जाके वचन को लिखा। ये बाइबल जो आपके पास में है, ये वचन जो आपके पास में, ये आपके पास में कैसे पहुंचा? पवित्र आत्मा ने पवित्र लोगों को भविष्यवाणी दी, उनके मन को भरा और जो कुछ पवित्र आत्मा ने चाहा वो यहाँ पे लिखा गया। 40 डिफरेंट राइटर्स हैं, 40 अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में इन अलग अलग पुस्तकों को लिखा है, पर वो उन्होंने नहीं लिखा, पवित्र आत्मा ने जिस प्रकार से उनको भरा उस प्रकार से एक एक शब्द इसमें लिखा गया है। सो पवित्र आत्मा का महत्व हमारे बीच में मेरे प्रियो ये है कि पवित्र आत्मा की वजह से इस सृष्टि की रचना होने पाई। परमेश्वर पिता ने आज्ञा दिया पर पवित्र आत्मा ने जाके चीजों को क्रिएट किया। पवित्र आत्मा का महत्व हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर पवित्र आत्मा की वजह से हम इस वचन को अपने बीच में पाते हैं। परमेश्वर पिता की आज्ञा से पवित्र आत्मा ने लोगों को भरा और उन्होंने वचन को लिखा। पवित्र आत्मा का महत्व यीशु के जीवन में क्या था, हम देखेंगे। पृथ्वी काम उसका 10वां अध्याय उसके 38वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने किस रीति से जी यीशु नासरी को पवित्र आत्मा जी और सामर्थ से अभिषेक किया वो भलाई करता और सबको जी जो शैतान के सताए हुए थे जी अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहाँ पे देखिए तीनों अलग अलग हैं और तीनों साथ में कैसे पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया, पवित्र आत्मा से भरा और पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु यीशु मसीह मूव करते थे और वो भलाई कर रहे थे और वो चंगाई लोगों को दे रहे थे क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ में था। पवित्र आत्मा वो सामर्थ था जो कि चीजों को कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह अब कहते थे देखने लगो तो पवित्र आत्मा जाकर के रोशनी दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह अब कहते चलने लगो तो पवित्र आत्मा वो सामर्थ था जो कि लोगों के जीवन में कार्य कर रहा था और वो चलने लगे। जो चंगाई लोगों के जीवन में आ रही थी, जो छुटकारा लोगों के जीवन में आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह वचन को दे रहे थे और पवित्र आत्मा उस चंगाई को वहां पे क्रिएट कर रहा था और इन तमाम चीजों में परमेश्वर वहां पे उनके साथ में थे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। पिता मुझ में रहता है और मैं पिता में रहता हूं। जो कुछ मैं कहता हूं वो मेरी तरफ से नहीं है, पर जो
कुछ मैं पिता को करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ और वही मैं बोलता हूँ। परफेक्ट यूनिटी पर पवित्र आत्मा का महत्व प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या था? ये था कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ में मूव करते थे और जो चंगाई जो छुटकारा आ रहा था पवित्र आत्मा की सहायता से यहाँ पे आ रहा था। पवित्र आत्मा का महत्व विश्वासी के जीवन में क्या होता है हम देखेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 8 और 9 पद को देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है। और जो शारीरिक दशा में है जी वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में यानी कि बगैर पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का महत्व एक विश्वासी के जीवन में क्या होता है बगैर पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते जी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है जी तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। जब उसका आत्मा हम में बसता है हमारे साथ में नहीं होता 1 किलोमीटर दूर नहीं होता पर जब पवित्र आत्मा हम में बसता है तब तुम शारीरिक दशा में नहीं जी परंतु आत्मिक दशा में हो जी। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं जी तो वो उसका तो जन वो नहीं उसका जन नहीं। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नहीं है और बगैर पवित्र आत्मा के शारीरिक स्टेट में हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो मेरे प्रिय हमने यहाँ पे देखा कि परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जो है ये तीनों डिफरेंट व्यक्ति हैं इनके अलग अलग कार्य हैं पर ये तीनों साथ में कार्य करते हैं। और पवित्र आत्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बगैर पवित्र आत्मा के हम इन चीज़ों को नहीं कर सकते हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर पवित्र आत्मा से हम कहाँ मुलाकात करते हैं कहाँ हम मिल सकते हैं उससे कैसे हम उससे मुलाकात करेंगे कैसे हम उसको अपने जीवन में प्राप्त करेंगे हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 3रे पद का आखिरी हिस्सा देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना जी कह सकता है कि यीशु प्रभु है यीशु प्रभु है। बगैर पवित्र आत्मा के कोई जन ये नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु। आपकी पहली मुलाकात पवित्र आत्मा से तब होती है जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में ये प्रकाशन लेकर के आता है कि यीशु प्रभु है। हम कलीसिया में आते हैं हम वचन को पढ़ते हैं हम प्रार्थना करते हैं हम ढेर सारी चंगाई छुटकारे को अनुभव करते हैं और हम बहुत खुश होते हैं। पर मेरे प्रियो जब ये प्रकाशन आपके जीवन में आता है जब आप ये रियलाइज करते हैं पहली बार जब आप इस पहचान में आते हैं कि यीशु परमेश्वर है वो पहली मुलाकात होती है पवित्र आत्मा से आपके। पवित्र आत्मा इस रियलाइजेशन को इस पहचान को आपके जीवन में लेके आता है कि यीशु परमेश्वर है। बगैर पवित्र आत्मा के आप ये नहीं कह सकते कि वो कि यीशु परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ही हमको उभारता है हमको उस पॉइंट में लेके आता है। सो फर्स्ट लेवल जब पवित्र आत्मा का होता है हम पहले स्तर में हम यीशु को परमेश्वर के रूप में पहचानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग और हम देखेंगे यूहन्ना का 14वां अध्याय उसके 17 पद को देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अर्थात सत्य का आत्मा जी जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता जी क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है जी तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा अभी तुम्हारे साथ में रहता है तुम में होगा। फर्स्ट लेवल जब हमने ये पहचाना यीशु परमेश्वर है उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं जब अपना जीवन हम यीशु के हाथ में सौंप देते हैं अपने पापों को मान लेते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं जब ये रियलाइज करते हैं यस हमने पाप किया हमने गलतियां की हैं और हमको क्षमा मांगनी जरूरी है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं दिल की गहराई से कहते हैं प्रभु हमें क्षमा करें जो भी गलतियां हुई क्षमा करें और आप हमारे प्रभु हो जाएं हमको आप आगे की ओर लेके चले। वो दिन होता है जिस दिन आप उद्धार को प्राप्त करते हैं और उस दिन से पवित्र आत्मा आपके साथ में रहना शुरू कर देता है। उस दिन से जिस दिन आप अपनी गलती को मान लेते हैं छोड़ देते हैं अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप देते हैं और उसके पीछे चलने का वादा करते हैं उस दिन से पवित्र आत्मा आपके साथ में रहना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप अपने चेलों से कह रहे हैं वो तुम्हारे साथ में है अभी पर तुम में
होगा। अभी तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पर आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, अभी वो तुम्हारे साथ में है। राइट, एंड थर्ड लेवल कब आता है? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के वास करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम यीशु के नहीं हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तब ये फाइनल स्टेज होती है, और इसको हम बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना, जब पवित्र आत्मा को बपतिस्मा प्राप्त करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और वो हमारे अंदर वास करता है। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, मुझे जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो तुम्हारे अंदर रहेगा। अभी तुम्हारे साथ में है, पर अभी तुमको पूरी तरीके से भरपूरी तुम उसकी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब तक ये तुम्हारे साथ में वो रहेगा, भरपूरी तब आएगी जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और इसी चीज को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसी चीज को हम देखते हैं पिरतों के काम उसका पहला अध्याय उसके आठवें पद में हम देखें क्या लिखा हुआ है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा जी, तब तुम सामर्थ पाओगे। जब तक ये नहीं है तब तक ये सामर्थ नहीं है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, अभी वो तुम्हारे साथ में है पर वो तुम्हारे अंदर होगा। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे जी, और यरूशलेम और सारे यहूदिया जी, और सामरिया में जी, और पृथ्वी की छोर तक जी, मेरे गवाह होगी। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तब हमारे अंदर सामर्थ आता है। सामर्थ यहाँ पे किस प्रकार से आता है? सामर्थ को हम यहाँ पे पवित्र आत्मा के सामर्थ को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उसकी एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी और उसकी माइट, उसकी योग्यता, उसकी काबिलियत और उसका सामर्थ। जो कुछ परमेश्वर कर सकता है वो सामर्थ वो हमको देता है। जितनी खूबसूरती से, जितनी कुशलता से वो कर सकता है, वो कुशलता आपको मिलने पाती है और उसका बल आप प्राप्त करने पाते हैं। परमेश्वर की एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी और उसकी माइट से आप भरे जाते हैं। जब पवित्र आत्मा से आप भरे जाते हैं और तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि अपनी निर्बलताओं में हम बल को प्राप्त करने पाते। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में रिलीज करता है और दुष्ट के बंधन जो हैं वो टूटने पाते। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में रिलीज करता है और अपनी निर्बलताओं में हम बल को प्राप्त करने पाते हैं और फिर विजय के मार्ग के ऊपर हम निकल ले पाते। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और वो परमेश्वर के पिता का प्रकाशन को लेके आता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को लेके आता है और हमको प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, परमेश्वर पिता की पहचान में वो हमको धीमे-धीमे करके प्रतिदिन वो तब्दील करता जाता है। और वो दिन आएगा जिस दिन हम यीशु को देखेंगे, जिस दिन पिता को देखेंगे, जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान होने पाएंगे। और ये कार्य परमेश्वर पवित्र आत्मा का है जो कि हमारे जीवन में होने पाता है। हालेलुया, मेरे प्रिय आज की शिक्षा यहीं तक के है। आने वाले दिनों में हम इस शिक्षा को लेंगे कि पवित्र आत्मा का महत्व एक विश्वासी के जीवन में क्या होता है, पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है और कैसे अपनी खूबसूरती को हमारे बीच में उंडेलता है। इंपॉर्टेंट शिक्षा में है मेरे प्रियो। मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से इन चीज़ों को सुने और समझें और आप आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष दें। हम आँखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी खूबसूरत बातों के लिए प्रभु, जो कि बहुत ज्यादा अद्भुत है। एंड सच में परमेश्वर, ये इतना गहरा है प्रभु, हम इसको समझ नहीं पाते। हम चाहते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमको उस पूरी सच्चाई में लेकर के जाए, ताकि हम अच्छे से इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए और आप में आगे की ओर बढ़ नहीं पाए। प्रभु, जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, हम चाहते हैं प्रभु कि उनको बुद्धि दें, उनको समझ दें खुदा, ताकि आपकी बातों को समझने पाए और उसकी रोशनी में आगे की ओर बढ़ने पाए। पिता, प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के एक एक जन के लिए, जो भी उनकी आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल नीड्स हो, पिता उनकी जैसे भी इमोशनल नीड्स हो, जैसी भी उनकी आवश्यकता है, उनकी एक एक आवश्यकता आपके सम्मानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखे संभाले अपनी भली भावनी सुरक्षा को हमारे बीच में पूरा करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल
रब आपकी मोहब्बत पाकरु की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन एंड आमीन हालेलुया गॉड ब्लेस यू प्रभु आपको आशीष दें